सिविल अस्पताल में 75 वर्षीय वृद्ध की मौत का मामला, 3 दिन बाद भी नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। नौजवान खिदमत कमेटी ने वृद्ध को मुस्लिम तहजीब के साथ इटावा कब्रिस्तान में किया सुपुर्द खाक। दरअसल 30 सितंबर को 108 की मदद से बीमार हालत में 75 वर्षीय अज्ञात वृद्ध को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी 2 दिन पहले सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर जीआरपी ने मर्ग कायम कर परिजनों की तलाश शुरू की थी, लेकिन शव की शिनाख्ती 2 दिन बाद भी नहीं हो सकी। चूंकि मृतक मुस्लिम समाज का था, जिसके चलते नगर की नौजवान खिदमत कमेटी आगे आई और मृतक वृद्ध को मुस्लिम परंपरा अनुसार इटावा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान जीआरपी एएसआई आरके गर्ग, आरक्षक नीरज वाजपेयी, हाजी शेख रफीक, यूनिस सिद्दीकी, शकील खान, सिराज अली, खलील रायन, हसन कुरैसी, तारिक रायन मौजूद रहे। वहीं कमेटी के इस काम की लोग सराहना कर रहे हैं। 30/9/2022 को एक अज्ञात आदमी बीमारी के हालत में 108 एम्बुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज दौरान 4/10/2022 को मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त होने पर पंचनामा व कार्रवाई की कराई गई एवं शव का पीएम कराकर मर्चुरी घर में वारसानों के तलाश के लिए रखा गया था, जो आज तक वारसानों का पता नहीं चला है। वारसानों का ना पता चलने पर आज दिनांक 6/10/2022 को नौजवान खिदमत कमेटी संस्था आई, जिसको शव को कफन दाफन हेतु सुपुर्द किया गया है।